शिवा सुन, उस दिन मैं तेरी क्लिनिक पे आया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। प्लीज प्लीज भाई, ये सब मत कर यार। ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? तू कैसा छिछोरा है बे? हाँ, डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? कबीर, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल्स आंसर्स में। कैसे हैं आप लोग सब आज? वेल, जैसे कि आपने देखा कि इतने दिनों से जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं, अभी मैं मेडिकल चैनल बिल्कुल अलग कर दिया है, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें आप लोग हमेशा कोई ना कोई नए मेडिकल टॉपिक पे वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे चैनल को आगे बढ़ाया है। थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे इस बार जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, कबीर सिंह मूवी जो कि सुपर हिट मूवी है इस महीने की, इस साल की। और क्यों मैंने ये टॉपिक चुना है, बिकॉज़ ये डॉक्टर्स की लाइफ पे दिखाई गई है। इसमें हीरो भी डॉक्टर है, हीरोइन भी डॉक्टर है, हीरो के सारे फ्रेंड्स भी डॉक्टर हैं। तो बेसिकली जब ये पिक्चर आई तो डॉक्टर्स भी खफा हो गए और जो नॉर्मल जनता है वो भी खफा हो गई। क्यों खफा हो गई? क्योंकि उनको लगा कि डॉक्टर्स ऐसी लाइफ कैसे जी सकते हैं, क्या डॉक्टर्स के हॉस्टल्स में ये हरकतें होती हैं? तो बहुत से डॉक्टर्स ने, इवन सेंसर बोर्ड ने क्वेश्चंस उठाए, पिक्चर को बैन तक करने की बात आ गई। तो आज हम, हमारी पूरी टीम, इट इज़ नॉट जस्ट मी, हम लोग बहुत सारे लोग आज बैठे हुए हैं और हम लोग वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पॉइंट्स उठाएंगे जिस पे आप लोगों ने आपत्ति जताई है। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में ये पोस्ट डाली थी, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, वो क्वेश्चंस प्लस कुछ और क्वेश्चंस जो कि हमारे दिमाग में चल रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और आसपास जो जनता बोल रही है। तो मैं आपको बता दूं आज मेरे साथ कौन कौन है। सबसे पहले तो हम इंस्पायर हुए हैं इस पिक्चर की हीरोइन प्रीति से, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, जिनकी रैगिंग होती है और बाद में बहुत कुछ होता है। तो उनसे इंस्पायर होकर हमने एक जूनियर डॉक्टर को बुलाया, कि अभी डॉक्टरी पढ़ रही हैं, अभी डॉक्टर बनी नहीं है, एमबीबीएस सेकंड ईयर में है। उनका नाम है हर्षिता और वो आज हमारे साथ शामिल है, राइट? हीरो से इंस्पायर होके, जो कि हमारे हीरो हैं शाहिद कपूर जी, वो पीजी स्टूडेंट हैं, जो कि हीरोइन से काफ़ी बड़े हैं, 7-8 साल बड़े हैं, और हाउस सर्जन हैं उस समय। तो उनसे इंस्पायर होके हमने डॉक्टर मांगेलाल जी को बुलाया है, जो कि अभी पीजी थर्ड ईयर में हैं और गैप ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का है इन बिटवीन मांगेलाल जी एंड हर्षिता। तो ये गैप हमने रखा है। इसी तरह से हमने डॉक्टर अजय सिंह परिहार को इनवाइट किया है, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सीनियर यानी कि 25-30 साल पहले ये अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमें उस ज़माने की बातें बताएंगे और ये जो नए लोग हैं हमें इस ज़माने की बातें बताएंगे कि अभी आजकल हॉस्टल में क्या होता है, किस तरह की रैगिंग होती है, किस तरह से मेडिकल लाइफ जीते हैं। मैं तो हूँ ही डॉक्टर सोनल परिहार, आप मेरे को जानते हैं, मेरे को 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। साथ ही हमारे साथ एक नॉन मेडिको, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड मंजू जी हैं, मिसेस मंजू, जो कि मिसेस इंडिया की ट्रेनिंग टीम में काम कर चुकी है मुंबई में और गूगल ऑफिस में भी काम कर चुकी हैं। तो बेसिकली उनको हमने एक पोर्ट्रे किया है, शी विल बी रिप्रेजेंटिंग यू ऑल, जो नॉन मेडिकोज हैं, जिन लोगों ने पिक्चर देखी, जिनके दिमाग में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई और बहुत तरह के गुस्सा वाले सवाल भी आए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मंजू जी को इनवाइट किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम आंसर करेंगे। नंबर वन कॉन्ट्रोवर्सी, क्या रैगिंग अभी भी होती है? जिस तरह की रैगिंग इस पिक्चर में दिखाई गई है उसको लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्योंकि आजकल कोर्ट ने रैगिंग बैन करी हुई है। इस बारे में हमको बताएंगे डॉक्टर अजय सिंह परिहार, जो कि 25 साल पहले एमबीबीएस कर चुके हैं, और डॉक्टर हर्षिता, जो कि अभी डॉक्टर बनी नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट है, इन्होंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था। तो ये दोनों हमको बताएंगे क्या कंट्रास्ट है रैगिंग में 25 साल पहले और अभी। मैं 1995 के एरा का हूँ और मैं समझता हूँ इस पिक्चर के अंदर जो रैगिंग दिखाई थी वो काफ़ी हद तक सही थी। हमारे एरा में भी ऐसी होता था, कुछ हद तक अभी कम हुआ है क्योंकि कोर्ट का इंटरफेरेंस आया है बीच के अंदर। और रैगिंग होने का सबसे, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी कारण जो रैगिंग का था वो ये था कि आपस में एक दूसरे की जान पहचान बढ़ाना। बच्चे अपने अलग अलग घरों से आते थे, हमारी जगह एक जगह इकट्ठे होते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, उनको रैग करने का मतलब ये होता था उनसे जान पहचान बढ़ाना, उनके अंदर का खौफ निकालना, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा स्ट्रेस में काम करना पड़ता है। तो बचपन से उनको सिखाया था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। जब सीनियर्स को डांटता था या इवन कपड़े उतारने को बोलते थे वो हिस्सा भी होता था, और वो एक टाइम पे ज़रूरी माना जाता था क्योंकि एक दूसरे का डर, एक दूसरे का मेरे ख्याल से इसको अपन ऐसे पोर्ट्रे करें कि शर्म निकालनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक शर्म नहीं निकालेंगे तो अपन एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे। और वही सीनियर कल को अपने सीनियर बनते थे, अपने टीचर्स बनते थे और अपने मार्गदर्शक होते थे। तो उस एरा की जो रैगिंग थी मेरे हिसाब से वो ठीक थी उस लेवल पर जो होती थी, पर आजकल रैगिंग का सिनेरियो तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जो
हर्षिता आपको अच्छी तरह बताएंगी आजकल रैगिंग कैसे चलती है। अरे सर, ये तो आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैंने तो लास्ट ईयर ही फर्स्ट ईयर अपना पास किया है और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पहले के ज़माने में बहुत ब्रूटल हो जाते थे सीनियर्स, तो उसके लिए अब रैगिंग वर्ड हटा दिया गया है, इट इज़ लीगली बैंड। और अब जो होता है वो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, इसमें सीनियर्स जूनियर्स को बुलाते हैं, दे टॉक टू देम, दे आस्क अबाउट देयर इंट्रोडक्शन इन अ डिफरेंट वे, एंड दे आस्क टू डू, वो अपना हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं और हॉबीज़ को इनैक्ट कराते हैं, जिससे कि बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। पर्पस रैगिंग का जो है वही फॉलो हो रहा है, बट तरीका बदल दिया गया है। क्या मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है? वेल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो सबके दिल में, सबके दिमाग में आया इस पिक्चर को देखने के बाद, जो कि डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने क्या दिखाने की कोशिश करी, सबसे ज़्यादा जनता इसी पर बौखलाई कि भाई क्या मेडिकल कॉलेजेस में ये हरकतें होती हैं। मैं बताती हूँ, मेरे को किसी ने क्वेश्चन लिख के भेजा है कि मैडम, ये जो आपने इस पिक्चर में दिखाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि आपके मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही खतरनाक माहौल होता है, सीनियर्स से जूनियर्स इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना खौफ होता है कि सीनियर जो चाहे अपनी मनमानी कर सकता है, आपके डीन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है। क्या आप लोग मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की हरकतें टॉलरेट करते हो, और क्या आप भी इस तरीके की लाइफ से गुजरे हो? और मैं बता दूं कि मेरी जो फ्रेंड जिनको मैंने इनवाइट किया है, मंजू जी, जिनको कि मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, इन्होंने सबसे पहला काम इस पिक्चर को देखने के बाद यही किया कि मुझे कॉल किया, फ़ोन किया और पूछा, सोनल क्या ये हरकतें होती हैं, क्या इतना खौफ होता है सीनियर जूनियर का, ये सब होता है मेडिकल कॉलेज में? सुनिए इनकी ज़बानी। क्या मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है? आई एम सरप्राइज एंड इट्स सो शॉकिंग, इट्स सो स्कैरी। वो लड़का अपने जूनियर को खुलेआम सबके सामने ले जाता है जबरदस्ती, और कोई कुछ नहीं कर पाता है। एज अ पेरेंट, आई डोंट थिंक कि मैं अपने बच्चों को कभी मेडिकल में भेजना चाहूंगी ये मूवी देखने के बाद, क्योंकि ये मूवी इतनी डरावनी है और ये जो इन्होंने पोर्ट्रे किया है वो इतनी गलत पिक्चर है मेडिकल कॉलेज की, कि आई एम वेरी अपसेट विद दैट। अरे भाई ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा नहीं है। कितने सारे डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या आप सहमत हैं इनसे? नहीं ना। इतने सारे जो नॉन मेडिकल्स, जो मेरे फॉलोअर्स, आप लोग वीडियो देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को भेजें या अपने बहन भाइयों को भेजें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई मूवी है, मसाला मूवी है, मसाला कैसे आएगा? उस हीरो को थोड़ा सा एक्सेंट्रिक दिखाया, थोड़ा सा पागल दिखाया है, उसको बेइंतहा मोहब्बत हो गई इस लड़की से, वो उसको उठा के हॉस्टल ले गया। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रिंसिपल होते हैं, डीन होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें दिखाया है कि भाई वो टॉपर था, ही वॉज गुड इन एवरीथिंग, और उसका इतना ज़्यादा एक टेरर था जूनियर्स में, जो कि सीनियोरिटी जूनियोरिटी तो भाई चलती है। जितना प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप जाएंगे, जूनियर हमेशा सीनियर से डरेगा, क्योंकि ये सीनियर्स ही आगे जाके इनको सर्जरी सिखाएंगे, इनको पेशेंट देखना सिखाएंगे, इनको मेडिसिन लिखना सिखाएंगे, तो ये सब तो चलता ही है। और क्योंकि वो बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट दिखाई है, तो ये तो थोड़ा बहुत चलता है। बट हाँ, एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, वो उसको ले जाता है, वो मान जाती है, तो जरूरी थोड़ी MBBS में ऐसा होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, लॉ में होता है, आर्ट्स में होता है, प्यार तो कहीं भी हो सकता है। तो ये तो गलत बात है कि हम अपने बच्चों को MBBS में नहीं भेजेंगे, बिल्कुल साफ गलत बात है, ठीक है ना। तो जूनियर सीनियर का रिलेशन मेंटेन करना होता है। हर्षिता, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसे कोई अगर सीनियर मुझसे आके कोई काम करवाएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी, क्योंकि खौफ तो होता ही है। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लिमिटेशंस भूल जाऊँ, किसी भी सीनियर के साथ कहीं भी चली जाऊँ। ये तो सिर्फ मसाला मूवी थी, इसलिए ऐसा बताया गया, बाकी एक्चुअली कुछ नहीं होगा ऐसा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, उनकी जो भी पर्सनालिटी पिक्चर्स में दिखाई जाती है, हम लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, स्पेशली जो यूथ है, बच्चे हैं। तो जो कैरेक्टर ये कबीर सिंह का दिखाया है इसमें, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा डॉक्टर, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और साथ ही में उसको कुछ बुरी आदतें, ड्रिंक्स करना, ड्रग्स लेना, चेन स्मोकर, इवन ड्रग्स लेके सर्जरी करना, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि हमारा यूथ कहीं से बिगड़ ना जाए। इसी वजह से सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई थी इस पिक्चर पे कि आप इस पिक्चर के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आजकल के जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, जो यूथ हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन लेना चाहते हैं, या फिर एनी पर्सन हु, एनी यंग फेलो हु वांट्स टू गो इन अ हॉस्टल, कुछ भी प्रोफेशनल कॉलेज वो परस्यू करना चाहते हैं, मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा खुद बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है, तो क्या ये पिक्चर उन पर बैड इन्फ्लुएंस है? कबीर सिंह है कैरेक्टर क्या है, जो शराब भी पीता है, ड्रग्स भी लेता है, और इतना एंगर है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये नशे में सर्जरी भी कर रहा है। मतलब ऐसे होते हैं क्या डॉक्टर्स? और ये एथिकल है कि डॉक्टर नशे में सर्जरी करा रहा है? अरे नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक एक्सट्रीम उसकी पर्सनालिटी को दिखाया गया, वो
अपनी स्टडी में बहुत अपने सुपर था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, उसने अपनी हर चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके गया। और जहाँ तक आपने ये बात की कि एथिकली ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है, हाँ उसके लिए अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया है और कोई कर भी रहा है तो ये एक उसका पर्सनल वो उसमें पॉइंट होगा। अपन एक इसको अपने डॉक्टर की जो फैटर्निटी उसको अपन वो उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किसी ने कर भी दिया है तो उसके लिए एथिकल कमेटी है और पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक लॉबी है जो उसको जस्टिफाई मतलब करेगी ये सही है गलत है। और अगर उसने गलत किया तो उसके लिए उसको 5 साल के लिए बैन भी कर दिया। और मैडम ऐसा नहीं होता है। दोस्तों कबीर सिंह का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? अभी हमने इतनी सारी बातें करी कि कबीर सिंह ये करता था वो करता था, क्या क्या कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है, क्या किसी डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए? आप में से किसी एक ने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके भेजा है जो कि मैं चाहूँगी कि यूट्यूब पे मैं पढ़ूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग इंडियंस हैं जो इंडियन एक मेंटेलिटी होती है डॉक्टर्स के लिए जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है उनका, वो डॉक्टर को उसी तरह से देखना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो वो जो कैरेक्टर इसमें कबीर सिंह का दिखाया शायद पहली कोई पिक्चर है जिसमें डॉक्टर को ऐसा दिखाया है। तो किसी ने लिखा है को, मैं नाम नहीं बोलूंगी, कि कबीर सिंह का कैरेक्टर बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था, वो एक राक्षस था। ओके, डॉक्टर अनदर नेम ऑफ गॉड, यानी कि डॉक्टर भगवान होते हैं, राइट? बिकॉज ही सेव्स लाइफ, क्योंकि हम लोग लाइफ बचाते हैं, हम लोग जान बचाते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में, हम लोग पेशेंट की हेल्प करते हैं, मतलब बेसिकली जो हमारे पास आता है वो परेशान आता है हम उसको खुश करके भेजते हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि कबीर सिंह में एक भी क्वालिटी नहीं थी डॉक्टर की, वो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं था, उसका लव अफेयर जो था वो तो चलो पर्सनल लाइफ हो गई, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको उसके अंदर डॉक्टर की कोई खूबी नहीं दिखी। अब इसका आंसर देंगे डॉक्टर अजय सिंह परिहार, क्योंकि ये सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने 25-30 साल की अपनी प्रैक्टिस में अपना नाम बनाया है। आपका क्या कहना है? आपने क्या बोला, मॉन्स्टर था वो, अच्छा डॉक्टर नहीं था? मेरे ख्याल से आप यहाँ गलत है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मूवी ढंग से देखी होगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ही वॉज एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग, पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो, उसकी सर्जरीज बहुत अच्छी थी, मैक्सिमम लॉग बुक्स यानी कि मैक्सिमम सर्जरी उसने कर रखी थी क्योंकि वो पेशेंट्स को रिजल्ट्स अच्छे दे रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने कॉलेज से बहुत प्यार करता था, उसका जुनून था अपने कॉलेज के लिए, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, तो डेफिनेटली में सारी क्वालिटीज थी। बट हाँ, ये एक ही ऐसी पिक्चर है जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसके अंदर डॉक्टर का वो ग्रे जोन दिखाया, और ग्रे जोन दिखाकर एक अपने आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है कि क्या डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर, अपन हर डॉक्टर को उसमें नहीं डाल सकते कि हर डॉक्टर ऐसे ही होगा या हर डॉक्टर की कोई एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वो एक कैरेक्टर था, उसने डॉक्टर का रोल प्ले किया। आपको आई एम श्योर अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, और क्योंकि उसका कैरेक्टर ये था इसलिए इस पर पिक्चर बनी। अगर ये साधारण डॉक्टर दिखाते, सुबह उठ गया, मरीज देख ली, ऑपरेशन के घर आ गया, तो आपको पिक्चर पसंद भी नहीं आती। वो पसंद इसलिए आ रही है, बात इसलिए हो रही है कि उसका कैरेक्टर डिफरेंट था। किसी ने ये भी लिखा है डॉक्टर तो भगवान होते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसे डॉक्टर को भगवान मत बनाइए, वो तो एक जरिया है एक पेशेंट को सही करने के लिए, कि भगवान और पेशेंट के बीच में खड़ा होता है, एक उसकी गंभीर बीमारी से उसको बचाता है। बस ये उसकी अपने 12 साल की मेहनत है, उसकी पढ़ाई है, उसके बलबूते पे वो पेशेंट को बचा लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गया। अरे मैडम, अगर डॉक्टर भगवान होते तो वो खुद बीमार नहीं होते और वो खुद कभी नहीं मरते, वो तो फिर अमर हो जाते ऐसे तो। हर्षिता, जब तुम आज से 8-9 साल बाद MBBS PG वगैरह करके निकलोगी, तुमको क्या लगता है कि तुमको ये सुनना अच्छा लगेगा कि लोग तुमको भगवान मान रहे हैं? 7-8 साल बाद अगर मैं डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे भगवान समझने लगेंगे। हाँ, माना कि मैं जो मेहनत से पढ़ रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस सीखूंगी, उसको मैं अपना 100% दे के सही करूँगी पेशेंट्स को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन जाऊँगी। हर रोज़ नया होगा, हर नए एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैं अपने कलीग से जैसा सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। यानी कि डॉक्टर्स भगवान नहीं होते, डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं जो कि अपनी पढ़ाई को यूज़ करके कोशिश करते हैं। हर डॉक्टर ये चाहता है कि पेशेंट बिल्कुल सही होके जाए, फौरन सही हो जाए, कोई नहीं चाहता कि कोई केस बिगड़े, कोई सर्जरी खराब हो। लेकिन आप लोग अगर हमको भगवान समझने लगोगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि आप हमसे हाथ जोड़कर विनती करो कि हमारे ऊपर कृपा कर दो, या हमारे पैर छो, या पगड़ी उतार के रख दो, जो कि पहले से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है हमारी कंट्री में। तो प्लीज डॉक्टर्स को नॉर्मल इंसान समझिए, ये सोचिए कि वो हाली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने अपने 12-15 साल की पढ़ाई और प्लस अपनी प्रैक्टिस से जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं उससे एक्सपीरियंस से सीखा है। और प्लीज, डॉक्टर्स आर नॉट गॉड्स। इस पिक्चर में एक होनहार डॉक्टर, एक इतने अच्छे सर्जन ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बुरी तरह मिक्स किया कि लोगों को यह बात हजम नहीं हुई।
अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कैसे कर सकते हो कि आपको लड़की नहीं मिली, आपने शराब पीना शुरू कर दिया, आप डिप्रेशन में चले गए, आप नशे में सर्जरीज कर रहे हो, मतलब आप एक चीज चूज करो कि आपको अगर डिप्रेशन में हो तो आप डॉक्टरी छोड़ दो, या फिर डॉक्टरी करनी है तो आप एडिक्शन छोड़ दो। माना कि डॉक्टर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, बट वो तो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है। आज कोई इंजीनियर अपने घर में लड़ाई करके जाएगा थोड़ी ना पुल खराब बना देगा, या फॉर एग्जाम्पल कोई जज जाएगा घर में लड़ाई करके तो किसी को गलत जजमेंट तो देगा नहीं। ये सब इंसिडेंटल चीज़ें होती है, कैरेक्टर होता है जिसको आदमी को प्ले करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में और पिक्चर में। तो पिक्चर में जो कैरेक्टर प्ले हुआ है उसको ज़रूरी नहीं माना जाए कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। बट डेफिनेटली ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि कोई डॉक्टर को अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अकेली एक ऐसी कम्युनिटी होती है, एक लाइफ को बचाने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वहाँ पर डेफिनेटली अपने को दोनों चीज़ में इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। कबीर सिंह जो कैरेक्टर इस पिक्चर में दिखाया गया है वो पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी यानी कि डॉक्टर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर था जो कि मूवी में दिखाया गया, जो कि बाई चांस एक डॉक्टर था। जिस तरह से हर पुलिस वाला सिंघम नहीं होता, इसी तरह से हर डॉक्टर कबीर सिंह नहीं होता। दोस्तों इतना डिस्कशन आपने सुन लिया, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज कबीर सिंह को लेकर, उसके डायलॉग्स, उसका कैरेक्टर, उसका प्रोफेशन, उसकी लव लाइफ सब डिस्कस कर लिया, बट आप एक चीज़ तो भूल गए, दो तीन चीज़ें जो कबीर सिंह के बहुत ही सॉफ्ट पॉइंट्स दिखाए हैं। उसमें एक डायलॉग किसी ने मुझे लिख के भेजा था कि मैडम इसका क्या मतलब है, वो अपने दोस्त को कह रहे हैं कि जैसे एक लड़की की केयर करनी चाहिए पीरियड्स के समय। अब वो एक सर्जन होके वो जानता है कि पीरियड्स के समय लेडीज़ की क्या केयर होनी चाहिए। आप में से किसी ने मुझे पूछा है, मैं बता दूं कि आप लोग रेगुलरली मेरा चैनल देख ही रहे हो, पीरियड्स के समय लेडीज़ को पेन भी होता है, पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं क्योंकि सारे हार्मोनल अप डाउन होते हैं, इमोशनल ट्रॉमा रहता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो उस चीज़ को आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, उस चीज़ को देखो और उस कैरेक्टर की एक सॉफ्टनेस दिखाइए टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मतलब उसको कहीं भी गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया उन्होंने कि वो अगर किसी लड़की के प्यार में इतना पड़ गया तो भी उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया। तो आई थिंक दिस इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ कबीर सिंह एंड दैट प्रूव्स कि दैट ही वॉज अ गुड कैरेक्टर, बस थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट था, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस इंसान को इतना प्यारा दिखाया है कि वो जिससे प्यार करता है एकदम प्योर लव करता है, फिर वो चाहे उसके फैमिली मेम्बर्स हो, उसके दोस्त हो, या फिर उसका वो लेडी लव प्रीति हो। उसने अपनी फैमिली में, अपने घर में इतने शायद आई थिंक 6 महीने बाद उसने एंट्री मारी, 6 महीने बाद अपनी दादी की वजह से उसने एंट्री मारी, बिकॉज वो दादी को इतना प्यार करता था, यहाँ तक कि किसी ने दादी की डेथ के बाद उसको बॉडी बोल दिया तो वो उसको मारने पर उतारू हो गया। मतलब वो इस तरह से बेइंतहा मोहब्बत करता था अपने चाहने वालों को। तीसरी चीज़, बिल्कुल ही नॉन मैनिपुलेटिव, बिल्कुल ही प्योर सोल दिखाया है, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था, उसको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उसने मिक्स कर दी, राइट। उसने कभी ये सोचा नहीं कि मैं एक सर्जन हूँ, मुझे एक इमेज बना के रखी, एक फॉल्स इमेज बना के रखनी है कि हाँ भाई मैं हॉस्पिटल में कुछ और हूँ, मैं घर में कुछ और हूँ। वो जैसा था वैसे ही हॉस्पिटल आता था, गुस्से में चिल्ला भी देता था तो बाहर जाके पेशेंट को सॉरी बोलता था पैर पकड़ के। मतलब वो इतना प्यारा इंसान दिखाया है कि उसने ज़िंदगी में जो चाहा उसको चाहिए, उसने कभी ये नहीं सोचा इससे मेरी इमेज खराब हो रही है, बिकॉज वो अंदर से प्योर था, उसको सर्जरी पसंद थी, ही वॉज अ वेरी गुड सर्जन, तो वो सर्जरी करता था। साथ में क्योंकि वो उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था तो उसने साथ साथ में वो गलत आदतें भी शुरू कर दी, लेकिन अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से उसने नाता नहीं तोड़ा। इस गुस्से को लेकर क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज सर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वापस मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा मेडिकल चैनल देखना है तो आस्क ऑर्गेनिकोलॉजिस्ट को फॉलो करिए, वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे लाइव जाती हूँ, कभी आस्क ऑर्गेनिकोलॉजिस्ट में, कभी डॉक्टर सोनल्स आंसर्स में। अपने क्वेश्चंस आप अपने लिखते रहिए, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ के आपको जवाब देती रहूँगी। इसी तरह से मैं बता दूँ जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं कि मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए डॉकवाइज ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मेरा पिन है, पिन नंबर डालते ही आप मेरे से मेरे मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएंगे और आप मेरे से डायरेक्टली 2 दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं और मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। सो टाटा बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं वापस से इसी चैनल पे, बाय बाय, थैंक यू।